चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अनूप सर, इकोनॉमिक्स स्पेशलिस्ट। आपका पुनः एक बार स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज देखिए, हम इम्पोर्टेंट जो यानी कि टॉपिक्स है उसकी बात करने जा रहे हैं। वो टॉपिक्स है ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति। और यहाँ से भी विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं विभिन्न प्रकार के एग्जाम में, चाहे वो वनडे का एग्जाम हो चाहे सिविल का एग्जाम हो, ठीक है। और हम लोग जो है, जैसे अभी हाल ही में 28 तारीख को एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ, कौन सा यानी कि यूपीपीसीएस का, यूपी कमीशन का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, जिसमें देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन से क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। तो हम लोग इस पूरे रेवोल्यूशन के बारे में चीज़ों को जानेंगे, कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या है क्या नहीं है, भारत में क्या स्थिति है इसके बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, क्रांति की बात किया जाए तो क्रांति का अर्थ होता है किसी भी क्षेत्र में अचानक आए हुए परिवर्तन को। तो जब अचानक किसी भी क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो वो क्रांति होती है। अगर विचारों में आ जाता है परिवर्तन अचानक, तो वो वहाँ की विचारों वाली क्रांति हो जाती है। अगर जो है यानी कि किसी भी प्रकार के बैटल वाले क्षेत्र में आ जाती है यानी युद्ध के क्षेत्र में, तो वो युद्ध वाली क्रांति हो जाती है। तो डिफरेंट टाइप्स के जो क्रांतियां हैं उनके फील्ड अलग अलग हैं, लेकिन हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो ग्रीन रेवोल्यूशन है। इसका संबंध किससे है यानी कि जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र है कृषि क्षेत्र, उससे जुड़ा हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कृषि के क्षेत्र में अगर क्रांति आई होगी तो सबसे पहले कृषि के क्षेत्र में रिसर्च यानी कि कार्य प्रारंभ हुआ होगा, और रिसर्च कार्य के पश्चात ही इसमें जो है क्या हुआ होगा, परिवर्तन देखने को मिला होगा। तो विश्व में सबसे पहले हम बात करेंगे तो विश्व में सबसे पहले यानी कि कृषि अनुसंधान केंद्र खोला गया था 1834 ईस्वी में। कहाँ पर? अमेरिका में। किसके द्वारा खोला गया था? ये खोला गया था जेबी बोशिंगाल्ट के द्वारा, ठीक, याद रखिएगा। ये सबसे पहले यहाँ पर कृषि अनुसंधान केंद्र यानी स्टार्ट हुआ, रिसर्च कार्य प्रारंभ होता है। फिर इसके बाद यानी कि 1908 ईस्वी में देखेंगे तो अमेरिका में यानी कि क्या हो गया, एक सोसाइटी का गठन हो गया। कौन सा? यानी कि अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी। तो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी का गठन हो गया। और इसके जस्ट 50 वर्ष बाद हमारे देश में भी 1958 में यानी कि इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी का गठन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे यानी कि जो कृषि के क्षेत्र में है उसकी उत्पादकता की बात किया जाए तो कृषि के क्षेत्र में उत्पादकता यानी खाद्य पदार्थों में उत्पादकता के संदर्भ में विश्व में सर्वप्रथम हम बात करने जा रहे हैं नॉर्मन ई बोरलॉग के, ठीक है। तो नॉर्मन ई बोरलॉग, जिनका जन्म अमेरिका में हुआ है और अमेरिका के जिस जगह पर हुआ है वो है आइवोवा प्रांत, यहाँ पर जन्म हुआ, जिसे लिटिल नॉर्वे के नाम से जाना जाता है। और इनका जो जन्म हुआ वो 25 मार्च 1914 को हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर जब इनका जन्म होता है, ये अपनी सारी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में पढ़ाई करते हैं। फिर इसके बाद यानी कि ये अपना जो रिसर्च वर्क है वो मैक्सिको में करते हैं, ठीक। तो ये यानी कि कृषि के क्षेत्र में जो मिनिसोटा विश्वविद्यालय है उससे यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, और वहीं से रिसर्च कंप्लीट करते हैं। फिर वहीं पर असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाते हैं। कहाँ पर? यानी मिनीसोटा विश्वविद्यालय। तो ये मिनीसोटा विश्वविद्यालय जो है यहाँ पर ये अपनी बैचलर की पढ़ाई और पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पीजी की पढ़ाई, और वहीं पर अपना रिसर्च और वहीं पर प्रोफेसर हो जाते हैं। लेकिन उस समय यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान मैक्सिको में फूड क्राइसिस उत्पन्न हो जाती है, और उस समय मैक्सिको खाद्य पदार्थों के संकट से गुजर रहा होता है। तो मैक्सिको में खाद्य पदार्थों के संकट से बचाने के लिए यहाँ पर एक सोसाइटी होती है जिसे कहा जाता है रॉक फेलर। तो ये जो रॉक फेलर जो है सोसाइटी है, ये रॉक फेलर समिति ऐसे खाद्य पदार्थों की प्रजातियों को खोजने में लगी थी जिसकी प्रोडक्टिविटी क्या हो,
अधिक हो। तो यहीं पर नॉर्मन ई बोरलॉग ने क्या किया, इस 1942 ईस्वी में इस रॉकफेलर सोसाइटी को ज्वाइन किया और यहीं पर विभिन्न प्रकार के जो अपने यानी कि उच्च उत्पादकता वाले खाद्य पदार्थ थे, ये कौन से हैं, हाई एल्ड वैरायटी ऑफ सीड्स यानी उच्च उत्पादकता वाले बीजों की ये खोज करते हैं, जिसमें मुख्यतः गेहूं, धान और यानी कि मक्का, ज्वार और बाजरा, यानी कि ये इस प्रकार के बीजों की खोज करते हैं जिनकी उत्पादकता अत्यधिक होती है। लेकिन यह बीजों की जिन प्रजातियों को नॉर्मन ई बोरलॉग खोजते हैं उसमें यानी कि लार्मा राजो, पिटिक 62, पेंजामो 64, सुपर एक्स, तो ये इस प्रकार की प्रजातियों की खोज करते हैं जिनकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी अत्यधिक होती है। और यह यानी कि जो प्रजातियों को खोजते हैं इन यानी कि उच्च उत्पादकता वाले बीजों की जो उत्पादकता है वो निर्भर करती है चार प्रकार के कारकों पर, तभी अगर ये कारक उपस्थित होंगे तभी यह बीज अपनी उत्पादकता बढ़ाने में सक्षम होंगे। तो पहला होगा पर्याप्त मात्रा में इरिगेशन फैसिलिटी, दूसरा पर्याप्त मात्रा में उर्वरक का छिड़काव, तीसरा यानी कि कीटनाशक दवाएं तो यहाँ पर इनका प्रयोग किया जाए जिससे कीट पतंगे इनको नष्ट ना कर दे, और क्या होगा उच्च उत्पादकता वाले बीज तो हाई एल्ड वैरायटी ऑफ सीड्स। तो इस तरीके के जो उच्च उत्पादकता वाले बीज जो इन्होंने खोजा था कि इन्होंने नॉर्मन ई बोरलॉग ने, ये चार प्रकार के फैक्टरों पर निर्भर करता है। तो जब इन्होंने ऐसे बीजों की खोज कर ली जिनकी उत्पादकता अधिक थी, अगर एक हेक्टेयर में इनको बोया जाता तो लगभग 60 से 65 कुंतल प्रति हेक्टेयर की प्रोडक्टिविटी हो सकती थी। और ऐसे बीजों को खोजने के बाद जब इन बीजों की बुवाई अमेरिका में हुई तो मैक्सिको जो है खाद्य पदार्थों के संकट से निकल गया और 1960 के दशक तक आते आते यानी कि अमेरिका जो है अपने यानी देश को खाद्य पदार्थों के निर्यात करने में भी सक्षम हो गया। इसीलिए अमेरिका में जो फूड क्राइसिस आई थी उस फूड क्राइसिस से निकालने के लिए यानी नॉर्मन ई बोरलॉग को क्या किया गया, 1970 ईस्वी में शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक है, तो ये जो है नोबेल प्राइज इनको किस क्षेत्र में मिला, तो ये नोबेल प्राइज इनको शांति के क्षेत्र में मिला और अभी हाल ही में ये क्वेश्चन TCS में पूछा गया था। ठीक, तो इन्होंने कृषि के क्षेत्र में अग्रणीय कार्य किया। इसलिए नॉर्मन ई बोरलॉग की अगर बात किया जाए तो विश्व में जो है इन्हें हरित क्रांति का पिता कहा जाता है। अब बात आएगी हरित क्रांति शब्द की, तो हरित क्रांति वर्ड जो है किसने दिया, तो हरित क्रांति जो वर्ड है वो विलियम गॉड, अमेरिका के जो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था विलियम गॉड, तो ये जो है ये विलियम गॉड हैं, इन्होंने हरित क्रांति नामक शब्द दिया। तो ये जो शब्द है हरित क्रांति ये विलियम गॉड के द्वारा दिया गया है। ठीक, तो विलियम गॉड ने हरित क्रांति नामक शब्द दिया। विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन ई बोरलॉग को कहा जाता है। इनका जन्म अमेरिका के आइवा में प्रांत में हुआ था, ये IAS में पूछा गया एक बार। फिर इन्होंने अपना रिसर्च वर्क मैक्सिको में किया, उच्च उत्पादकता वाले बीज खोजे जो धान, बाजरा, गेहूं, मक्का इसके थे, इसमें विभिन्न प्रजातियों के ये बीज थे जिनके ये नाम थे और ये बीज इन कारकों पर निर्भर करते थे। और इसी वजह से मैक्सिको जो है 1900 यानी कि वर्ल्ड वार जो सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था उसके बाद से खाद्य पदार्थों में प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज हो गया और 60 तक आते आते अमेरिका जो है खाद्य पदार्थों के निर्यात में सक्षम हो गया। फिर आगे हम बात करेंगे, अब ये तो यानी कि वर्ल्ड की बात है, अब भारत की अगर बात किया जाए तो भारत के संदर्भ में हम लोग देखेंगे भारत में हरित क्रांति का जो
जनक है वो एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। तो एम एस स्वामीनाथन भी जो है क्या है, भारत में कृषि जो है यानी कि हम कह सकते हैं कृषि के क्षेत्र में इन्होंने भी रिसर्च किया और इन्होंने भी भारत में खाद्य पदार्थों के संदर्भ में उत्पादकता की बात किया। तो यहाँ हम भारत की अब बात करते हैं, तो भारत में यानी कि जो हरित क्रांति है इसका जो पिता है वो किसे कहा जा रहा है, एम एस स्वामीनाथन को कहा जा रहा है। ठीक है, तो एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का पिता कहा जा रहा है। एम एस स्वामीनाथन नॉर्मन ईबोरलॉग से कई बार मुलाकात करते हैं और भारत में 1960 के दशक में यानी जो बीज यहाँ खोजे गए थे मैक्सिको में नॉर्मन ईबोरलॉग के द्वारा, इन बीजों को भारत में लाने की बात की गई। तो सबसे पहले 1960 और 61 ईस्वी में एम एस स्वामीनाथन के द्वारा आप देखेंगे उत्तराखंड के जो पंत नगर था, इस पंत नगर में सबसे पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ठीक है, 60 और 61 में, और यहीं पर क्या किया गया, पहली बार जो है कृषि से संबंधित चीज़ों को खोजने की बात की। तो इसलिए यहाँ पर एम एस स्वामीनाथन ने ये कार्य किया। लेकिन एम एस स्वामीनाथन को 1960 ईस्वी में यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र, ठीक है, तो ये भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र, इसका क्या बना दिया गया, अध्यक्ष बना दिया गया। और जब अध्यक्ष बना दिया गया तो यहाँ पर सरकार ने इनसे कहा कि भारत में खाद्य पदार्थों की कमी है और इसकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए आप कुछ कीजिए। तो एम एस स्वामीनाथन ने मुलाकात की नॉर्मन ईबोरलॉग से, और मुलाकात करके एम एस स्वामीनाथन ने बोरलॉग को भारत बुलाया। भारत वो आए, कई बार ये भी गए, और इसके पश्चात 60 और 61 में जिन बीजों को मैक्सिको में खोजा गया था, हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स, इन बीजों को भारत में आयात करवाया गया छोटे स्तर पर, और इनका पहले परीक्षण कार्यक्रम हुआ। और परीक्षण जब कार्यक्रम हुआ तो इसे नाम दिया गया क्या, यानी कि ये इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ये चलाया गया कब, 60 और 61 ईस्वी में। तो 1960 और 61 में जब ये कार्यक्रम चलाया गया जिला स्तर पर, इसमें 7 जिले सिलेक्ट किए गए, बिहार का शाहबाद, तमिलनाडु का तंजावुर, राजस्थान का जयपुर, उत्तर प्रदेश का यानी कि आपका ये जो है अलीगढ़, तो इस तरीके के ज़िले जो सिलेक्ट हुए उन पर ये परीक्षण कार्यक्रम हुआ, ये सफल हो गया। फिर इसके बाद 1964 और 65 में इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाया गया क्षेत्र स्तर तक, तो इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम चलाया गया, सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम। और ये चलाने के बाद क्षेत्र लेवल पर जब ये चला तो यहाँ भी ये सफल हो गया। फिर इसके पश्चात यानी कि एम एस स्वामीनाथन के सुझाव के आधार पर 1965 ईस्वी में भारत सरकार ने एक पायलट परियोजना चलाई, और इस पायलट परियोजना के तहत जिन बीजों को अब बड़ी मात्रा में आयात किया गया और आयात करने के पश्चात इनकी बुवाई करा दी गई। तो जब इन बीजों की बुवाई कराई गई तो पायलट परियोजना के अंतर्गत कराई गई, कहाँ पर इन बीजों की बुवाई हुई, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, और इसके साथ साथ पंजाब वाले क्षेत्रों में। क्यों किया गया, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर सिंचाई की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध थी, और यानी इन बीजों को जो खोजा गया था उन बीजों के लिए बड़ी बड़ी मशीनों की ज़रूरत थी, और इसके साथ ही यानी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत थी, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया जाना था, और ये बीज उच्च उत्पादकता वाले थे। तो इन जगहों पर इसकी बुवाई कराई गई किस योजना के तहत, पायलट परियोजना के तहत। और इसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी जो है आप देखेंगे तो गेहूं के क्षेत्र में देखने को मिली, यानी कब मिली, 1966 ईस्वी में देखने को मिली। और हरियाणा का जो सोनीपत जिला था, इसी सोनीपत जिले में सर्वाधिक प्रोडक्टिविटी यानी देखने को मिली। तो ये सर्वाधिक जो है उत्पादकता
किस क्षेत्र में मिल रही है, गेहूं के क्षेत्र में देखने को मिल रही है। इसलिए भारत में हरित क्रांति का जो संबंध है वो मुख्यतः किससे है, गेहूं से। तो यहाँ पर जो हरित क्रांति का संबंध है वो गेहूं से है। और यहाँ प्रोडक्टिविटी जब बढ़ी तो किसके यानी कि कारण ये प्रोडक्टिविटी पूरी देखने को मिली, तो एम एस स्वामीनाथन का महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन रहा। इसलिए भारत में हरित क्रांति का पिता एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। लेकिन हरित क्रांति की जन्मस्थली किसे कहा जाता है, तो उत्तराखंड के जो पंत नगर है इसको हरित क्रांति की जन्म स्थली कहा जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद आगे जब आप देखेंगे हरित क्रांति का पिता भारत में एम एस स्वामीनाथन, भारत में हरित क्रांति की जन्मस्थली उत्तराखंड के पंत नगर को, और भारत में जो है जो हरित क्रांति का संबंध है वो गेहूं से है। सर्वाधिक उत्पादकता सोनीपत जिले में मिली, इसलिए सोनीपत को हरित क्रांति का क्या कहा जाता है, हृदय कहा जाता है, हार्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। तो यहाँ पर भारत में हरित क्रांति लाने का जो श्रेय है वो एम एस स्वामीनाथन को है। अब ये हरित क्रांति आई कब भारत में, तो हरित क्रांति कब आई, 1966 के वर्ष में। तो इस वर्ष में हरित क्रांति आई, किस परियोजना के तहत बीजों की बुवाई हुई, पायलट परियोजना के तहत। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। अब आप आगे देखिएगा कि अगर ईयर पूछेगा तो किस ईयर में भारत में हरित क्रांति आई, तो ये जो ईयर है वो 66 का है। लेकिन अगर सेशन पूछेगा किस यानी कि सत्र में आई, तो ये जो सत्र चल रहा है वो 1966 और 67 का चल रहा है। अगर पंचवर्षीय योजना पूछा जाए तो इस यानी कि थर्ड फाइव ईयर प्लान में जो है यानी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति आई। अब जब हरित क्रांति आई तो यहाँ पर आप समझिए जब उत्पादकता बढ़ी होगी तो सरकार ने इन फसलों के लिए उत्पादन के लिए भंडार गृह बनवाए होंगे। इन पदार्थों को लोगों तक पहुँचाने के लिए खाद्य सुरक्षा का जो प्रोग्राम है उसके लिए किसी ना किसी संस्था की बात किया होगा। और इसके साथ ही इनकी कितनी कीमतें हैं, जो कृषि यानी पदार्थ हैं यानी खाद्यान्न पदार्थ, इनके लिए कितना कीमत निर्धारित किया जाए इसकी बात की होगी। तो हमने आपको बताया कि यहाँ पर भारत सरकार यानी कि खाद्य सुरक्षा की उपलब्धता को प्रदान करने के लिए सरकार ने FCI का गठन किया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, 1965 में। और इसे ये काम दिया गया कि ये भारत में खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराएगा। ठीक है, फिर इस यानी कि इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। दूसरी बात किया जाए कृषि के लिए कीमतों का निर्धारण, तो ये देखिए गेहूं के क्षेत्र में आई है। अभी हमने इसके पहले लेक्चर में पढ़ाया गेहूं रबी की फसल है, तो यहाँ पर यानी कृषि की कीमतों को निर्धारण करने के लिए कृषि मूल्य आयोग का गठन किया गया, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, कब, 1965 में। इसी को 1985 में क्या कन्वर्ट कर दिया गया, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड प्राइस, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। तो यानी कि ये हो गया आपका क्या, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, यानी इसको कहा गया कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। तो इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया, और यही आयोग भारत में यानी कि खरीफ की फसलें और रबी की फसलों के लिए कीमत का निर्धारण करती है। फिर इसके बाद यानी कि हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स के जो रेवोल्यूशन है वो किस किस क्षेत्र में आए, तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो क्रांतियाँ हैं भारत में वो विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में आई हुई हैं, तो उनकी भी हम एक बार चर्चा कर लेंगे। तो आप लोग जो है विभिन्न प्रकार की जो क्रांतियां हैं उनका कौन सा क्षेत्र से संबंधित है, तो आप दो कॉलम बनाइएगा, एक तरफ लिखेंगे विभिन्न प्रकार की क्रांतियां और दूसरे तरफ लिखेंगे उनसे संबंधित यानी कि क्षेत्र। तो ये डिफरेंट टाइप्स की जो क्रांतियां हैं इनके बारे में हम लोग लिखने जा रहे हैं, किससे रिलेटेड है, ये जो रिलेटेड है किससे, यानी कि डिफरेंट टाइप्स के एग्रीकल्चर के क्षेत्र से। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं हरित क्रांति की,
और ये इसका संबंध किससे है, गेहूं से है। फिर दूसरा हम बात करेंगे व्हाइट रेवोल्यूशन, श्वेत क्रांति, इसका संबंध किससे है, दुग्ध के उत्पादन से है। फिर हम बात करेंगे यानी कि ब्लू रेवोल्यूशन की, नीली क्रांति, इसका संबंध किससे है, मत से है। फिर हम बात करेंगे पीली क्रांति की, येलो रेवोल्यूशन, इसका संबंध किससे होगा, तो इसका संबंध तिलहन से होगा, ऑयल सीड से। जब ऑप्शन में ये नहीं होगा तो आप लगाएंगे दलहन से, पल्सेस से, लेकिन अगर दोनों होगा तो प्रेफरेंस किसको देंगे, तिलहन को। फिर आप देखेंगे पिंक रेवोल्यूशन, गुलाबी क्रांति भारत में, उसका संबंध जो है वो झींगा मछली से होगा, और झींगा मछली अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आप किसको लगाएंगे, प्याज को, लेकिन अगर दोनों रहेगा तो आप टिक करेंगे किसको, झींगा मछली को। सर्वाधिक निर्यात भारत में इसी मछली का किया जाता है। फिर आगे आप देखिएगा यानी कि गोल क्रांति, राउंड रेवोल्यूशन, इसका संबंध किससे है, आलू के उत्पादन से। फिर आप देखिएगा स्वर्ण क्रांति, इसका संबंध किससे है, मुख्यता यानी कि सेब से है। अगर ऑप्शन में नहीं होगा तो हम फल भी लगाएंगे, ठीक है, लेकिन अगर दोनों होगा तो सेब लगाएंगे। फिर इसके बाद आप देखिएगा रजत क्रांति, सिल्वर रेवोल्यूशन, इसका संबंध किससे होगा, अंडे के उत्पादन से होगा। फिर इसके साथ आप देखेंगे यानी कि कौन सी क्रांति, यहाँ पर आप देखेंगे एक और क्रांति, पराभनी क्रांति, इसका संबंध किससे है, भिंडी के उत्पादन से। फिर आप देखेंगे एक अमृत क्रांति, इसका संबंध किससे है, नदियों के जुड़ने से है, ट्वेड कैनल्स, मोदी जी ने इसको स्टार्ट किया, और हाल में आप देख रहे हैं बुंदेलखंड क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा के लिए यानी कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जो है यानी कि ट्वेड कैनल्स जो है केन बेतवा नदी पर जो है ये काम चल रहा है। फिर आगे देखेंगे यानी कि कौन से क्रांति, बादामी क्रांति, आलमंड रेवोल्यूशन, इसका संबंध किससे है, मसाला के उत्पादन से है। फिर इसके बाद आप देखिए काली क्रांति, ब्लैक रेवोल्यूशन, इसका संबंध यानी कि जो कोयला है मुख्यतः, अभी ये स्रोत ख़त्म होने वाले हैं, तो वैकल्पिक ऊर्जा जैसे यानी कि डिफरेंट टाइप्स का सोलर एनर्जी है उससे है, या पेट्रोलियम, इन चीज़ों से लगाएंगे। फिर इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे यानी कि मीठी क्रांति, मीठी क्रांति का मतलब है स्वीट रेवोल्यूशन, और इसका संबंध किससे है, शहद से है। तो यहाँ पर आप देखिएगा एक हरित क्रांति है, श्वेत क्रांति है, नीली क्रांति है, पीली क्रांति है, गुलाबी क्रांति है, गोल क्रांति है, स्वर्ण क्रांति है, रजत क्रांति है, बादामी क्रांति है, अमृत क्रांति है, पराभनी क्रांति है, काली क्रांति है, मीठी क्रांति है, इसके साथ ही एक और सदाबहार क्रांति, एवरग्रीन रेवोल्यूशन। विभिन्न प्रकार की जो बागवानी है, जो फसलें हैं यानी कि इनसे संबंधित है एवरग्रीन रेवोल्यूशन। तो ये डिफरेंट टाइप्स के रेवोल्यूशन है, इसमें और भी एक आध जो हो सकता है को मिस हो रहा हो तो आपको याद आ जाएगा, तो आप यानी इसमें जोड़ लीजिएगा, ठीक है। जैसे ये हरित, हाँ अभी जैसे ये है लाल क्रांति, रेड रेवोल्यूशन, लाल क्रांति जैसे ये किससे है, टमाटर या मांस से संबंधित है, तो ये लाल क्रांति, नीली क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, एक और है आपका कौन सा, ग्रे यानी जिससे हम लोग कहेंगे भूरी क्रांति, ब्राउन रेवोल्यूशन, ये उर्वरक से संबंधित है। फिर आप देख लेंगे एक और क्रांति कौन सी यानी जिससे हम लोग कहेंगे यानी गोल्ड फाइबर रेवोल्यूशन, स्वर्ण जो है इसको हम कह देंगे फाइबर क्रांति, और इसका संबंध किससे है, इसका संबंध जूट से है, ठीक है। फिर उसी तरीके से जिस तरह से ये स्वर्ण है उसी तरीके से यानी कि आपका क्या है, सिल्वर है, रजत यानी कि सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन, तो ये सिल्वर फाइबर क्रांति हो गया, और इसका संबंध किससे हो जाएगा, इसका संबंध कपास से हो जाएगा, ठीक। तो ये डिफरेंट टाइप्स की क्रांतियां हैं जिनका संबंध विभिन्न क्षेत्रों से
है। ठीक, तो आप इन सभी को याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा। अब हम इसके बारे में विभिन्न प्रकार के फैक्टों के बारे में बात करेंगे, तो इन क्रांतियों से जो जो भी रिलेटेड तथ्य है वहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। ओके, थैंक यू दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।